हाँ बोलिए। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे आज मौका मिला यहाँ पे आने के लिए। बस मैं पहला, मेरा शादी देखो कि नहीं देखो, मालूम है दोनों भी कमी नहीं, शादी नहीं करने वाले वो लोग। दिख रहे ना, इधर तक आज मुकाम तक पहुंचा है मेरे फैंस ने, कुछ तो बात है ना। फिर आपसे कुछ चीज छुपी है क्या आज तक? ऐसा है और कुछ नहीं ना। जय हिंद, जय हिंद। Well, it's the first time and I'm honored, thank you. And it's already started, unfortunately, so the excitement does build up. But thank you all for being here and thank you for the honor. Thank you so much. We had a wonderful schedule in Gujarat, Bombay. Great to work with Ranveer, too much of extra energy which he could share with me and give me an upliftment of energy, and it's wonderful to work with him. I'm so happy I did that film. मैं भी 83 में फारूक इंजीनियर विकेट कीपर हमारे 60s और 70s के विकेट कीपर का रोल में कर रहा हूँ, जिसमें मैं कमेंट्री कर रहा हूँ इस पिक्चर में। बेसिकली ही वाज़ द ओनली इंडियन कमेंटेटर इन द कमेंट्री बॉक्स फॉर बीबीसी, फारूक इंजीनियर, ही वाज़ द ओनली इंडियन कमेंटेटर। अब तो सब हमारी पूरी पार्टी जाती है, लेकिन उस जमाने में सिर्फ एक ही इंडियन थे, फारूक इंजीनियर, वो रोल मैं कर रहा हूँ। बहुत सर, पहले तो वहाँ लॉर्ड्स में जाके शूट करना था, ऐसा लगा कि मैं, मेरी जो बचपन की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। यार बहुत बड़ा अवार्ड है और बड़ी खुशी है यहाँ पे आके, बस एक्साइटेड है, अंदर जाते हैं देखते हैं क्या धमाल होता है। यार असल में मैं जस्ट ओपनिंग एपिसोड्स के लिए था, तो मेरा वो खत्म हो चुका है, अब मैं सारे काम अपा जो है वो शुरू करने वाला हूँ, तो बस उसकी तैयारी है। यार ऑनेस्टली मुझे पता नहीं बन पाएगी कि नहीं, वो चाहती है बनना और दैट इज़ व्हाई द शो इज़ देयर, एंड हो गया तो बहुत अच्छा, सबकी प्रेयर्स तो यही। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आज ये लुकिंग फॉर द इवेंट और आज इंटरनेशनल फेस्टिवल के अवार्ड्स हैं और बैठेंगे इवनिंग को एंजॉय करेंगे, विनर्स को शेयर करेंगे। इट्स बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम और नागराज जी के साथ और अजय अतुल जी दोनों के साथ काम कर रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। There's a lot of work to be done and we are very excited. I think we are very excited. Baagi 3 अभी 6 मार्च को रिलीज़ हो रही है और उसके अभी प्रमोशंस चल रहे हैं, शुरू हो चुके हैं, तो उसके बारे में आराम से बैठकर आपसे बात करेंगे। थैंक यू। आई थिंक मेरे को भी लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मेरे को मिला था अवार्ड, एंड बहुत अच्छा लगता है जब गवर्नमेंट लेवल पे, जब इतने बड़े लेवल पे आर्टिस्ट को ग्रीट किया जाता है, आर्टिस्ट को अप्रिशिएट किया जाता है, एंड आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी ऐसे अवार्ड्स करवाने के लिए।
मेरी लाइफ में आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है आर्टिस्ट को और ज़्यादा काम करने का मन करता है जब अवार्ड्स मिलते हैं, बट आई थिंक ऑडियंस ही अवार्ड है मेरे लिए। तो डेली मेरे गाने लोग सुने, आई थिंक वही मेरे लिए अवार्ड है। मैं रोज़ शो करूँ, रोज़ और पैसे कमाऊँ, मेरे लिए वो अवार्ड है। जस्ट किडिंग, बट यस, आज जब तक लोगों का प्यार है तो आई थिंक रोज़ ही अवार्ड है। आई थिंक मेरे को मिल रहा है अप्रिसिएशन अवार्ड, आई थिंक सो। एंड देन आई एम सिंगिंग ऑन द रैंप फॉर निवेदिता साबू, सो यस आई एम गोना सिंग द लेटेस्ट वन सुरमा सुरमा एंड सूट सूट एंड हाइड्रेटेड गबरू। बिल्कुल सुनाएंगे। अखियां च पा के नी तू सुरमा सुरमा, सिखिया तू दस कित्थों तुरना तुरना, आ जेड़ा सूट तू पाया आ सब पुछदे ने कित्थों मिलदा आ, काली तेरी गुत्त गोल मूल लग हिलदा आ। थैंक यू सो मच। गॉगल्स अभी लेके आता, हेलो गॉगल्स अभी लेके आता, छेड़ दे सोनू। हेलो व्हाट्सअप, कैसे हो, गुड टू सी यू, क्या हाल है? All the best, thank you. Yeah, it's very nice. Thank you. अच्छा ये हेलो, देखना साफ है, ठीक है, हाथ में मल लूँ, ठंड तो नहीं है? हाँ, आने वाले प्रोजेक्ट बहुत सारे गाने हैं, फिल्मों में सिंगल्स हैं, और गाने गाने और काम क्या है मेरा, हिंदी भी अभी कर रहा है साहू के लिए, इतनी सोनी हिंदी था, और अभी आगे छलांग फिल्म में गाना आ रहा है नुसरत और राजकुमार भाई के लिए, लापा जी की फिल्म है, और बाकी गाने तो गाने ही हैं, हिंदी हो पंजाबी हो सब अपने ही हैं। थैंक यू।